अभी कल ही बड़ा सुंदर चुनावी घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश की भूमि पर, और हमारे ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर एक संत बैठा है, एक सन्यासी बैठा है। इससे बड़ा गर्व भारत देश के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। लोग कहते हैं साधुओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। अरे इतिहास पढ़ के देखो, जितनी भी राजनीति चलती थी ना, साधु ही चलाते थे। वो अलग बात है कि तुमने राजनीति का नाम झगड़ा दे दिया हो, बाकी राजनीति तो देश का नेतृत्व करती है, और देश का नेतृत्व एक संत, एक सन्यासी से बढ़ के और कोई नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है भारत की जनता के द्वारा सबसे पहले, और फिर भारत की सरकार के द्वारा, कि एक ऐसे व्यक्ति को सन्यास एक स्तर पर, पद पर बिठा देना। प्रणाम है इस विचार को, और आशा है कि अब बहुत जल्द गौ माता के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे लिए। हो ना हो, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सरकार से अपने लिए कुछ मत मांगिए, अपने लिए आप कुछ मत मांगिए। आप ये मत कहिए सरकार से हमें ये चाहिए, हमें ये मांग है, ये मांग है। एक बार के लिए बस मान लीजिए, एक बार के लिए अपने लिए नहीं, आप अपनी मांग गौ माता के लिए मांगिए। कैसे भी गाय को बचा लो, बस यही हमारी मांग है, यही हमारी प्रार्थना। वैसे मैं राजनीति की कोई बात व्यासपीठ से करना, मुझे लोग उसको गलत जोड़ देते, इसलिए ज़्यादा मैं करती नहीं, लेकिन ये खुशी की बात थी, हृदय की प्रसन्नता की बात थी, इसलिए आप सब तक पहुँचाई। बहुत आगे भी भविष्य में ऐसे अच्छे निर्णय लिए जाएं, भारत की संस्कृति के लिए निर्णय लिए जाएं, और भारत की गौ माता के लिए निर्णय अवश्य लिए जाएंगे, ऐसी आशा है।